एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज मैंने रेडी किया एकदम परफेक्ट चॉकलेट केक। तो चलो वीडियो को आप आगे देखना कि मैंने केक कैसे बनाया है, और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो राधे राधे फ्रेंड्स, ये सारे घर के ये चीज़ों से बनाया है मैंने। अक्सर हमारे पास चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर रहता ही है घर में, और ये हर चीज़ सिरम है। हम अक्सर ब्रेड या किसी भी चीज़ के ऊपर लगाकर खाते हैं, तो इसके लिए लिया है मैंने एकदम गाढ़ा कर्ड, और लिया है दूध, शक्कर, और वनीला एसेंस लिया है, रवा लिया है, मैदा लिया है। आप सूजी, रवा या सूजी किसी एक चीज़ को ले सकते हैं, कोई भी, दोनों में से दोनों एक बराबर रहती हैं। तो हम इसको एक पैन में डाल लेंगे, और एक बाउल भर के हम लेंगे ऑयल। ऑयल में कर्ड और ऑयल और शक्कर हम तीनों को अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कोई लम्स ना रहे, दाने ना रहे। फ्रेंड, ये केक, चॉकलेट केक बहुत आसान रहता है बनाने में, बहुत इजी है, बहुत जल्दी से फटाफट, बच्चों की फरमाइश होती है तो फटाफट बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने किया है मैदा ऐड, और साथ में किया है रवा को ऐड, और यहाँ पर मैंने गरम दूध लिया है, ये हॉट वाला दूध है, थोड़ा सा ज़्यादा हॉट नहीं है, हल्का हल्का गरम है। तो बस एक कप हमने दूध इसमें ऐड कर लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके इसमें थोड़ा सा ऐड भी और कर सकते हैं, जब हमारा पेस्ट अगर हमें थिक दिखेगा फ्रेंड्स तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर्शीज का ही चोको पाउडर लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाल दिया है इसमें। तो बस अब इसको हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, अब इसमें साथ में करेंगे वनीला एसेंस ऐड। तो 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाल दिया है। फ्रेंड, मैंने स्पून में नहीं लिया है, ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि तो सभी चीज़ें इसमें हमने कर ली हैं ऐड। तो हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अक्सर हमें अपने हाथ से अच्छे से, इसकी मदद से अच्छे से स्पैचुला को चलाना है, अच्छे से घुमाना है, जिससे हमारा अच्छे से कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी दाने ना रहे। तो बस यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी भी कर दिया इसमें ऐड, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इस बच्चों को अक्सर इस तरह की चीज़ें पसंद रहती हैं, तो मेरे बेटे के कहने पर मैंने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है, एक ही कलर की टूटी फ्रूटी है रेड में। अब यहाँ पर बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जो हम अक्सर खाने में यूज़ करते हैं, वह मीठा सोडा इसमें ऐड कर दिया है, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। दोनों को हाफ टेबल स्पून ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम हॉट दूध डाल देंगे, हॉट मिल्क डाल देंगे, जिससे इसमें थोड़ा सा उफान आ जाए और ये अच्छे से इसका सेट होने लगेगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब इसे हम फेंटते जाएंगे और इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा, एकदम चॉकलेटी हो जाएगा। तो पेस्ट हमारा फ्रेंड्स बनके हो गया है रेडी ये बेक करने के लिए। आप, ज़रूरी नहीं है हमारे पास अवन हो, अक्सर सभी के पास अवन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैं इसको नमक के ऊपर कढ़ाई में बनाकर रेडी कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी रहती है, बहुत ही कम समय और कम टाइम में इजी फूड हमारा ये, तो बहुत जल्दी आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो बस मैंने इसको बना लिया है, पेस्ट को अच्छे से रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको बेक करने की तैयारी। तो ये कढ़ाई मैंने रख दी है, उसमें नमक डाल दिया है, अक्सर मैं इसी नमक को यूज़ करती रहती हूँ अपना पिज़्ज़ा या केक बनाने के लिए। तो बार बार ये नमक आठ से दस बार यूज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं स्टैंड जाली जो हमारे पास अवेलेबल रहती है, घर में ही मिल जाती है,
तो बस इस तरह से मैं इसको लगा कर देख रही हूँ कि कौन सी जाली इसमें फिट रहेगी, सही रहेगी। तो ये गैस में जो हम अक्सर रहते हैं इसके, तो बस इसी को मैंने इसमें लगा दिया है, ये सही माप बैठेगा इसका। तो बस इस तरह से, अगर आपके पास ओवन नहीं हो तो इस तरह से आप अपने घर में बना सकते हैं। मेरा मोबाइल बार बार दिक्कत दे रहा है, उसको रखने इधर उधर रखने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो बस यहाँ पर आप बटर पेपर मैंने ले लिया है, जो हम फॉइल पेपर जो हम लेते हैं अक्सर, जो रोटी पैक या किसी चीज़ को पैक करने के लिए हम, तो अक्सर सभी के घरों में मिल जाता है। तो बस इसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी और चारों तरफ से कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो घर में उथल पुथल हो जाती है। अक्सर सामान रखने में बहुत दिक्कतें रहती हैं, तो यहाँ का सामान वहाँ पटक देते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कितना ही चारों तरफ से घर में उथल पुथल की मची हुई है। तो यहाँ पर मैं चारों कॉर्नर इसको दबा दूँगी इस तरह से। हमने पहले इसमें जिस पैन में हम बना रहे हैं उसमें हमने पहले ऑयल ग्रीस कर दिया है थोड़ा सा ऊपर से भी। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसके ऊपर सूखा ग्रीस करके, ऑयल ग्रीस करके सूखा मैदा भी इस पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर चला हमारा पेस्ट पैन में इस तरह से, सारा की सारा पेस्ट हमने पैन में ऐड कर दिया है। तो कुछ ड्राई फ्रूट मैंने कट करके रखे हैं, तो बस कुछ ड्राई फ्रूट इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और हमारा एकदम परफेक्ट डो पेस्ट बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब ये इधर ओवन हमारा, यानी कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, हीट हो रही है अच्छे से। तब तक इसके लिए हाई डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तो हम मैं एकदम हाई फ्लेम पर अपनी कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर है ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर दिया है, साथ में हर्षीज सिरम भी इस पर ऐड कर दिया है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर सा आता है, बहुत अच्छा सा एकदम अंदर तक सेट हो जाता है, अंदर तक चला जाता है ये सिरम, और हमारा केक भी बनके अच्छे से रेडी हो जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से सर्कल आकार में अच्छे से डाल दिया है और बस परफेक्ट पेस्ट हमारा बनके रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।